सो आज हम लोग बनाएंगे दलिया पनीर भुर्जी, और उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जिसमें हमें कैरेट चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, वो एक कलर का भी होगा तो चलेगा, दलिया चाहिए, कोई भी हम यूज कर सकते, पतंजलि का या फॉक्सटेल मिलेट्स, ये फॉक्सटेल मिलेट्स दलिया है तो कोई भी दलिया मिक्स कर यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम दलिया को 1 कप दलिया को, क्योंकि दलिया को हम आराम से बना कर से फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो पहले हम दलिया को पका लेंगे। इस ये मल्टीग्रेन पतंजलि का दलिया है। तो दलिया जो होता है ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और फाइबर, इन दोनों का हाई सोर्स होता है। सो अब ये इसे दलिया को फ्लेम को थोड़ा हाई कर लिए, इसे रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से मिक्स ले सकते हैं या फिर कोई सिंगल दलिया भी ले सकते हैं। तो सिंपल पनीर भुर्जी क्यों बनाना, दलिया पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरे हस्बैंड की वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी भी है, मैं बहुत ये पसंद आता है। तो इस तरह से दलिया को सबसे पहले हम रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट तक। उसके बाद जितना दलिया उसका 3 टाइम्स 3 गुना पानी इसमें डाल के से एक साइड पकाएंगे और दूसरी साइड हम अपने पनीर भुर्जी की का प्रिपरेशन करेंगे, दलिया पनीर भुर्जी का बाकी का प्रिपरेशन करेंगे। दूसरे साइड हम बिल्कुल इतना सा तेल लेंगे और ये काफी होता है, इसे भी हम पूरा यूज नहीं किए और ये काफी होता है। मतलब जब हम खाना बनाते हैं तो मेरा तो मेन मोटिव रहता है कि ये काफी न्यूट्रिशियस हो, उसमें तेल कम हो, टेस्ट बहुत ज्यादा हो, न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत ज्यादा हो। सो ये सारा कुछ मेरा मोटिव होता है। अब दलिया पनीर भुर्जी की बात करें तो इसमें पनीर का प्रोटीन है, दलिया का प्रोटीन फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। फिर अगर हम इसमें कैप्सिकम यूज़ करने वाले हैं जो कि विटामिन ए और सी का सोर्स है। इस तरह से दलिया भी हम 2-3 मिनट तक रोस्ट कर चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे पानी इसे पकाने के लिए। इस तरह से अंदाज से डाल देंगे इस पानी में, अच्छे से ये दलिया पक जाएगा। इसे ढक के छोड़ देंगे हम। दूसरी तरफ से मेरा तेल गरम हो गया है अच्छे से, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तेल अच्छे से गरम हो गया, इसमें जीरा डाल दिया, गैस को कम कर दिया वरना काफी उड़ेगा ये। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए प्याज, 2 छोटे छोटे कटे हुए प्याज हम ले लिए चॉप करके रख लिए अच्छे से, इसे मिला लेंगे, अच्छे से मिला लिए। और जब तक मैं प्याज थोड़ा सा पकेगा तब तक हम गाजर को छोटे छोटे काट लेंगे। गाजर भी जो होता है ये, इससे हमारी आई साइट इम्प्रूव होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इम्प्रूव होता है, हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो उसे भी हमें अपनी सब्जियों में यूज, मतलब कुछ बनाएं तो यूज़ करना हमारे लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है। ये गाजर यूज करेंगे, इसे हम काट लेंगे अच्छे से। सो इस तरह से छोटे छोटे गाजर हम काट लिए हैं और इधर मेरा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन और थोड़ा सा करेंगे, इसे थोड़ा सा पकाएंगे। या इस टाइम पे भी अब हम गाजर डाल देते हैं बिकॉज गाजर को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम अपने कटे हुए गाजर इसमें ट्रांसफर कर दिए, मिला लेंगे इसे। और जब तक मैं गाजर पकेगा इसे ढक के पकाएंगे, जब तक मैं ये पकेगा तब तक हम अपने ग्रीन येलो रेड कैप्सिकम को चॉप कर लेंगे। दूसरी साइड मेरा दलिया भी ढक के पक रहा है और इधर ये रेडी हो रहा है। सो ये रेड येलो ग्रीन टमाटर, ये कैप्सिकम ले लिए हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सब कुछ अच्छी मात्रा में। तो हम इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे, ट्राइंगुलर या स्क्वायर शेप में इसे चॉप कर लेंगे। तो ये मेरे तीनों कैप्सिकम कट गए हैं, ट्राइंगुलर स्क्वायर शेप ऐसे ही मिक्स है। तब तक मैं प्याज और गाजर भी काफी सॉफ्ट हो गया है और इधर मेरा दलिया भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें कटे हुए कैप्सिकम ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करके थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे।
थोड़ी देर 1-2 मिनट ढक के पहले पकाएंगे। जैसे 1 मिनट हो गया ढक के, थोड़ा सा उसमें नमक डाल देंगे, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, ये सब कुछ डाल दिए। इसे मिक्स कर देंगे। साथ साथ में हम यहाँ 2 कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। तो ये मेरे 2 कटे हुए टमाटर है, इसे हम डाल लिए। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर को गलने में हेल्प करे। इसे थोड़ा और नमक डाल देते हैं, ठीक है। और जब तक मैं ये टमाटर और सब बाकी सारी चीज़ें सॉफ्ट होंगी, पकेंगी, क्योंकि ये दलिया पनीर भुर्जी है तो इसमें हम पनीर को प्रॉपरली मैश कर लेंगे। दलिया भी रेडी हो रहा है। तो इस तरह से एक नॉर्मल पनीर भुर्जी तो हम सब बनाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और एफर्ट डाल दें और इस डिश को इस इनोवेटिव तरीके से बनाए, इसका टेस्ट इतना एनहांस हो जाता है। साथ में जो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो मतलब 5-10-15 टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें इतनी सारी वेजीज भी आ गई, इसमें दलिया भी आ गया जो कि फाइबर और प्रोटीन का हाई सोर्स है। यहाँ पे मेरी सारी सब्जियाँ आ गई जो कि फाइबर और विटामिन ए सी ई सबका सोर्स है। तो ये इस बहुत ही एक हेल्दी इनोवेटिव टेस्टी रेसिपी बनेगी। अभी इसमें पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, हम ऐसे इस तरह से टेस्ट भी कर लेंगे कि मेरा दलिया पक गया है कि नहीं। अगर नहीं पका हो तो उसमें थोड़ा और पानी डाल के उसे पकाएंगे। वैसे ये ऑलमोस्ट पक गया है, फिर भी हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे, ठीक है। इसे हम ढक देते हैं तब तक। जब मेरा ये दलिया हो जाएगा तब हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे अभी दलिया। सो ये 200 ग्राम मेरा पनीर है, इसे हम मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। हाथ से भी इसे कर सकते हैं बट मैशर है तो इसे ही मैश कर लेंगे अच्छे से। इसको बनाने से पहले हम इसे बिकॉज फ्रीज से निकाले हैं तो इसे थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हम इसे माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। इधर उधर हम पनीर को सॉफ्ट होने के लिए माइक्रोवेव में रख दिए हैं और इधर मेरा कैप्सिकम टमाटर वगैरह पूरा सॉफ्ट हो गया है और दलिया भी कुक हो गया है पूरी तरह से। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा लेते हैं, इसका पानी बस हम सुखा लेंगे और जो एक्स्ट्रा दलिया है हम इसे फ्रीज में स्टोर करके 1 वीक तक आराम से रख सकते हैं। ये पनीर को इसी तरह से माइक्रोवेव में रख लिए थे और अब ये पूरी तरह मैशेबल फॉर्म में आ गया है। बस हाथ से भी चाहे तो इसे मैश कर सकते हैं। इस तरह से ऑलरेडी ये मैश हो चुका है तो बस। तो दलिया इसका सारा पानी सूख चुका है, थोड़ा सा मॉइस्ट है। ऐसे ही गैस बंद कर दिए हैं। अब 2 मिनट रुक के इस दलिया को हम अपनी सब्जी में, इस वेजीज के मिक्सचर में ट्रांसफर करेंगे। पनीर पूरी तरह से मैश हो गया इस तरह से। अब हम बस जल्दी जल्दी दलिया को ट्रांसफर करेंगे उसमें, फिर उसके बाद पनीर ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ से उठाएंगे दलिया, अपनी भुर्जी में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसे मिक्स कर देंगे जल्दी जल्दी। मेरे ऑफिस का भी टाइम हो चला है तो शानदार सा दलिया पनीर भुर्जी खा के फुल न्यूट्रिशन और एनर्जी लेके हम अपने ऑफिस के काम को स्टार्ट करेंगे। सो और ये पनीर मैशेस उसे 2 मिनट वेजीज के साथ
रहने देते हैं ढक के। 2 मिनट हो चुके हैं इसे, अब हम इसमें डालेंगे मैश्ड पनीर और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये इस तरह से मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे पनीर को हम इस तरह से मैश करके डाले हैं, बट लास्ट टाइम जब हम बनाए थे तो इसे पनीर को स्क्रम्बल करके पूरी इस तरह से डाले थे, तो दोनों ही बहुत टेस्टी लगता है। सो ये काफ़ी टेस्टी सा डिश ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट को इन्हांस करने के लिए इसमें पाव भाजी मसाला मिक्स करेंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल कर लिए हैं। थोड़ी देर हम इस यमीएस्ट रेसिपी को रख के थोड़ी देर पकाएंगे। इसे वैसे मैंने चम्मच से टेस्ट किया और ये इतना यमी है कि लग रहा है जल्दी से ये बने और हम इसे पराठे के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं। तो बस 1-2 मिनट और इसे पकाएंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। 2 मिनट हो चुका है और डिलीशियस यम्मी दलिया पनीर भुर्जी बनके बिल्कुल रेडी है। हम चाहे तो इसे थोड़ा सा और सुखा सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है, अब काफी यम्मी न्यूट्रिशियस डिलीशियस जो भी वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाए ये कम है, क्योंकि वाकई बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसे।